दोस्तों हमारे साथ इस वक्त जावेद कुरैशी नामक व्यक्ति आए हैं हमारी ऑफिस पर, और ये और इनकी पत्नी सबीना जी हैं, और इनकी बेटी जैनब की शादी इन्होंने अभी एक साल पहले जो है किया था, मुस्लिम रीति रिवाज से इन्होंने शादी किया था आसिफ नासिर कुरैशी नाम के युवक से। और इनका ऐसा कहना है कि शादी के 6 महीना तक जो है वो दोनों मियां बीबी के बीच में जो है इससे अच्छे रहे हैं, और उसके बाद के 6 महीना जो आसिफ और जैनब जो मियां बीबी हैं इनके बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, बहुत बिगाड़ हो गया था, बहुत बुराई चल रही थी। और इसी बीच जो है आज 4 दिन पहले वो लड़की लापता हो गई है, और इसी सिलसिले में जो है मैं जावेद भाई से पूछूंगा, जावेद भाई क्या हुआ, क्यों आए हो आप हमारे पास, आप जरा बताइए क्या। मेरी बेटी 4 दिन से लापता है। बोलिए। मेरे को शक है उसके आदमी पे, तो उसने उसको बोला था कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ, ये तेरे को तेरा बंदोबस्त कर दूंगा, और मेरे को शक है उसके आदमी पे और उसके ससुराल वाले पे जिन लोगों ने किया है। शादी कब किए थे? शादी 1 साल हो गया, करा के दिया, 6 महीना उनके ताल्लुकात अच्छे थे, 6 महीने के बाद ताल्लुकात बिगड़ गए। अब वो मेरी बेटी को बहुत टॉर्चर कर रहा था, खुद पलंग पे सोता था और जमीन जो उसको सुलाता था, मेरी बेटी ने कभी मुझे बोली नहीं। अब उसने अब घर पे 29 तारीख को रात को आई 11:30 बजे, अब मुझे ये बताई पूरी कहानी। मैंने बोला उसको कि ये रुक जा, तो उसके आदमी ने उसको जबरदस्ती लेके गया, और लेके जाने के बाद सुबह फोन करता है 10:30 बजे 30 तारीख को कि वो लापता हो गई। मेरे को पूरा शक है कि इसके आदमी ने कुछ किया है, अब मेरी बेटी को ढूंढ के दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। आज के ससुराल वाले का हाथ है, मतलब जैनब के ससुराल वाले ऐसा क्यों करेंगे अपनी ही बहू के साथ या आसिफ अपनी बीवी के साथ ऐसी हरकत? क्योंकि जैनब को उसके सास लोगों ने बोला था कि बल्लो करके और मैयबिन करके कुरैशी करके। ये बल्लो कौन है? उसकी खाला है वो बल्लो, वो आसिफ की, और मैयबिन उसकी माँ है, तो उसने क्या, तो इन लोगों ने उसको बोला कि हम तेरी दूसरी शादी करा देंगे तेरे वो तलाक करा के, कि हमारा बेटा गलत है। अच्छा हाँ, मेरी बेटी जब से हुई है तो मुंगरा पुलिस स्टेशन में आपने मैंने किया, हम कंप्लेंट देने गए तो उसके आदमी ने जाके पहला कंप्लेंट दिया, और फिर हमारी शिकायत नहीं ले रहे, अब हमने कमिश्नर ऑफिस में अर्जी दी है। अच्छा, एक कमिश्नर ऑफिस में अर्जी दी है हमने। हाँ, ये दे रहे हैं, आपसे विनती है कि आप मेरी बेटी को ढूंढ के दीजिए। जी, तो अभी लास्ट टाइम कब पुलिस स्टेशन में गए थे? अभी सुबह 11 बजे गए थे, 11:30। वहाँ बोले कि ये कंप्लेंट हुई है, तुम्हारी कंप्लेंट नहीं ले जाएगी, वो अभी तहकीकत होगी जब बाद में बताया जाएगा। तो मैं बहुत परेशान, मेरे को शक है कि मेरे इसके आदमी ने इसको मार कुछ किया है या उसको मार डाला है। आसिफ के करीबी है, उनसे हमने बात भी किया था, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ है नहीं, वो लड़की जो है अपने मन से चली गई है कहीं, इसमें कितनी सच्चाई है? आपको क्यों ऐसा? मेरी बेटी ऐसा कर नहीं सकती, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, उनका बोलना पूरा गांव देवी से लेके एकता लगा तलब, मेरी बच्ची के बारे में कोई गलत बोल नहीं सकता। आप मेरे मंगता तो आप मेरे इधर आइए, मेरे घर उधर पूरे मोहल्ले वाले को पूछिए कि मेरी बेटी किसी को नजर उठा के दे रहा है, और ये झूठा मेरी बेटी को फंसा रहा है कि किसी से चक्कर है, ये जानबूझ के कर रहा है, और ये पूरा प्लानिंग के साथ इसने पूरा काम किया है, और मुझे शक है कि इसके आदमी ने किया आसिफ ने। अच्छा जावेद भाई, अभी आपने ये अर्जी दिया है कमिश्नर ऑफिस में, यहाँ के जो कमिश्नर है आसिफ डुमरे जी, आपने उनको ये अर्जी दिया है, उनसे आप क्या अपील करेंगे? उनसे अपील ये कर रहा हूँ कि मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी ढूंढ कर, कल कुछ हो गया तो। दोस्तों ये जैनब के पिताजी जावेद कुरैशी जी काफी भाव कर रहे हैं, काफी तकलीफ में है, 4 दिन से जो है खाना पीना नहीं खा रहे हैं। हम जैनब की अम्मी से बात करेंगे। भाभी आप बताइए, मतलब जैनब तो इस तरह की तो इस तरह के उसके मामले कहीं नहीं? नहीं नहीं, मेरी बच्ची बहुत सही थी, मेरी बच्ची का आप आजू बाजू में पूछ लो किधर भी, मेरी बच्ची का कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होता तो उस शादी का हाँ क्यों बोलती थी? कितने साल पहले शादी हुई? 1 साल पहले ही हुई है शादी। अच्छा, शादी के बाद दर्द है इसको लेकर तो कोई मसला नहीं हुआ था? नहीं नहीं। अच्छा, बस अच्छा, वो टॉर्चर करता था, तेरे घर वालों की औकात नहीं है, तेरे घर वाले कुछ दे नहीं सकते हैं, वो क्या देंगे, मैं तुझे छोड़ दूंगा, जब से तू मेरी जिंदगी में आई है तो पनौती लग गई है। हाँ,
मेरी जिंदगी तूने पनौती कर दी है, मेरी बच्ची को रुकाई तो रुकाने भी नहीं दिए, ले गया बोलता बम्बई मिलाने लेके जाने का मेरी अम्मी अब्बू से, बुलाए इसको तो। जैनब अपने बाप से ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती है, बेटियां ज्यादातर माँ को बताती हैं, सहेलियों को बताती हैं। तो आपको लास्ट टाइम जब जैनब मिली थी तो आपको किस तरह का दर्द बयान की थी? यही बोली थी, अम्मी मुझे नीचे सुलाता है, खुद पलंग पे सोता है और मेरे से कोई रिश्ता नहीं रखता ये, और ये मुझे बदनाम कर रहा, झूठ बोल रहा, मेरा किसी से कुछ नहीं है, मुझे टॉर्चर करता है। जब वो मुझे नीचे आके ऊपर ले जाके मैंने उससे पूछा ना, तो उसने बोला कि अम्मी मैं उसके सामने नहीं बोल सकती, मेरे को बहुत डराता है, हमेशा चाकू लेके, हमेशा चाकू रहता है उसके बाद, हमेशा उसको डर इतना दे दिया था, उसके सामने मुंह नहीं खोल सकती है वो। बहुत रो रही थी और मुझे ना उसकी, मैंने दुकान पे दी थी उसको, वो मुझे देख के गई है मेरी। अभी आप क्या चाहती हो? अभी कमिश्नर साहब को आपने ये अर्जी दिया है, अभी आप कमिश्नर साहब से कैसा रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे, क्या कहेंगे? बस मेरी बच्ची मुझे दिला दो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरी बच्ची आ जाना चाहिए जिंदा है, कि क्या करा इसने क्या नहीं करा मुझे कुछ पता नहीं है, मैं उसी पे, हम लोग को उसी पे शक है, मुझे भी उसी पे शक है कि उसने आज पे शक है कि उसके आदमी ने कुछ कराया उसे। दोस्तों तो ये हमारे साथ जो है जावेद कुरैशी जो लापता बच्ची है, जो जैनब उसके बाप है, और उनकी माँ भी हमारे ऑफिस पे आई थी, इनका दर्द हमने जानने की कोशिश किया है, ये वीडियो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। जावेद भाई मान लो अगर वो बच्ची लापता हो गई है या बच्ची कहीं चली गई है, तो आप उस बच्ची से क्या अपील करेंगे? बच्ची से ये अपील करेंगे कहीं भी होगी बेटा तो आ जाओ। अच्छा बस आप क्या बोलिए? हाँ बस आ जा, खत्म कर देंगे, हम नहीं रखेंगे उसके पास। अब मान लो डर के सहम के वो अपने मन से कहीं चली गई हो या किसी के साथ चली गई हो, तो अपनी बेटी से आप क्या अपील करोगी? यही बोलेंगे कि हमें उसके साथ नहीं रखना, जो बोल रही थी तेरी बात सच है, उसकी बात कुछ सच नहीं है, तूने जो मुझे बताई है मुझे सब समझ में आ गया कि हाँ वही गलत है, तू गलत नहीं है। जी दोस्तों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वायरल करें, इसलिए कि शायद अब सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी, फिर उसके बाद पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, वो खुद से गई है या साजिश के तहत वो भगाई गई है या कहीं छुपाई गई है, अब ये तो पुलिस की जांच का विषय है, पुलिस के जांच में ही सब पता चलेगा क्या सच्चाई है। मगर तब तक का मैं ये वीडियो जो है चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, इसका जो है लिंक शेयर करूंगा मैं, और आप सब जो है इसको वायरल करें और इन दोनों जो है दंपत्ति की मदद करें आप।